पूरी जिंदगी अगर शिव को दे दी है, भले तुम 2 महीने से कथा सुन रहे हो, भले तुम 2.5 महीना कथा सुनते हुआ है, कोई कह रहा है हम 4 महीने से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम सावन से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम आपसे कथा सुन रहे हैं, तुम जब से सुन रहे हो तब से शिव के हो गए, यही समझना तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी तक तुमने जो जिंदगी निकाली वो व्यर्थ चली गई, पर आज जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, समझ लेना तुम शंकर की गोद में बैठ गए, तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब वो जाने वो जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो उसके हाथ में। और निवेदन करूंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बाबा फिर करुणा कर देगा, पर जान है तो जहान है, बाबा ने तुम्हें तो बचा लिया, खरोच तक नहीं आई, कृपा तो हुई ना बाबा की, बहुत है। उतना ही बहुत है। फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ पर, शिव की व्यासपीठ पर, इस शिव गादी पर जो बाबा बुलवा दे वो आप कर लिए, ये आपका है। नीचे उतरने के बाद हमसे कुछ पूछो, हम कुछ बताने के लायक नहीं है, हम तो आपके जैसे हैं साधारण मनुष्य, ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हम कोई हम ज्योतिषी जानते हैं, ना हम कोई विद्या हमको नहीं आती, हम तो केवल एक बात जानते हैं कि शंकर हमारा है और हम शंकर, शिव के सिवा हमारा कुछ है। कुछ बाबा ने कृपा करी है, बोलने के लायक बनाया है, हो सकता है बाबा को सबके दुख हरना होगा, इसलिए इन वाणी से कथा खिलवा रहे हैं, और आप कर रहे हो, सुन रहे हो, और अपनी जिंदगी को सवार रहे हो, अपने जीवन को बना। बस विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करो। पहली मृदा, पहली मिट्टी सूर्य कुंड की, दूसरी संपदा के लिए, धन के लिए, वैभव के लिए। स्कंद पुराण कहती है जहां गौ माता बनती हो, बच्चे को जन्म देती हो, उस स्थान के। तीसरा महाराज गोपी भूमि की मिट्टी, तीसरी मिट्टी है गोपी भूमि। कहां पर है गोपी भूमि? तो कहा जिस भूमि पर गोपियां भगवान की याद में रोई, और इतना रोई कि उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई। जहां पर गोपियां रोई और उस जगह की मिट्टी चंदन हो गई, वो गोपी भूमि सौराष्ट्र गुजरात द्वारका जी से 12 किलोमीटर की दूरी पर भेज द्वारका जाते समय बीच में पड़ता है गोपी तालाब, गोपी भूमि। आप लोग गए होंगे, कई लोगों ने दर्शन करा होगा, गोपी तालाब, गोपी भूमि, जहां की मिट्टी को लोग लेकर आते हैं और गोपी चंदन बनाते हैं और सिर पे लगाते हैं, गोपी चंदन बस वहीं की मिट्टी से बनता है। तीसरी मिट्टी, तीसरी मृदा गोपी भूमि, जिस भूमि पर गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई थी, और इंतजार करते करते कब द्वारका नाथ आएंगे, कब द्वारकाधीश हमें दिखेंगे, कब ठाकुर हमें दिखेगा, उस भूमि पर ठाकुर का इंतजार करती हैं। जब भगवान कृष्ण नहीं आए तब उन गोपियों ने शिव को बुलाया, इसलिए गोपी तालाब के पास में शंकर का मंदिर है। गोपीनाथ शिव वृंदावन में गोपेश्वर, वह गोपीनाथ शिव है, दर्शन करिएगा कभी मौका मिले, गुजरात जाएं, द्वारका जाएं, द्वारकाधीश के मंदिर जाएं, तो गोपी तालाब पर जरूर जाएं, गोपी भूमि पर जरूर जाएं। इंतजार करती है, जब कृष्ण नहीं आए तब गोपियां
शिव को पुकारी। भगवान शंकर एक गोपी का रूप रखकर, दो बार मेरा शंकर गोपी बना है, एक वृंदावन की रज में गोपेश्वर महादेव, दूसरी बार इन गोपियों के बीच में सांत्वना देने के लिए, समझाने के लिए, इनके प्रेम को धीर बंधाने के लिए। बहुत जरूरी है महाराज, आप किसी के सुख में जाकर भड़े ना खड़े हो, पर दुख में कम से कम एक बार जाकर कह सकते हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैठे हैं अभी हम, इतना बोल देना अभी आपके लिए बहुत बहुत। अरे क्यों चिंता करते हो, किसी का विल पावर मजबूत करो बस। और अभी तो बहुत जरूरी है महाराज, कोरोना महामारी में किसी को सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए, उसको कह देना कुछ नहीं है, काय का टेंशन लेता है, खा पी मौज कर, चलो जाओ काढ़ा पियो, जाओ चकाचक खूब जोरदार सब्जी मसाले की बगारो, खाओ डट के पाओ, टेंशन नहीं लेना, अलमस्त जिंदगी जियो। बहुत विचित्र मृत्यु हो गई, आज सवेरे अखबार में फोटो देखा फ्रंट पेज पे, इंदौर के शमशान का फोटो था। कि मुर्दे को भी चूहे कतर लिए तब जलाने ले गए, आज ही के अखबार में है फोटो। इतनी बुरी गति मृत्यु की हुई है कि मौत भी सोच रही होगी कि मैं कहां फंस गई, मृत्यु भी सोच रही है। कोई नहीं, दो लोग ले जाकर पटक दिए, उनसे मुर्दा उठ नहीं रिया, तो करे पन्नी में बंद पेक, आग लगाने की तैयारी। शमशान का वो फोटो आज के अखबार में देखा, जितने जलाने वाले स्थान थे सब में मुर्दे भरे हुए थे, आग लग रही थी। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव से कहना, बाबा तूने बड़ी कृपा कर रखी है जो इन श्वासों को संभाल रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी करूँ, तेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, जो तू करुणा करा है ये करुणा कोई नहीं कर सकता, रखा है तूने हमको संभाल कर। और बाबा अपने हृदय में जैसे आपने संजो कर रख रखा है, ऐसा 32 दांतों में जैसे जीभा रहती है, पूरी कॉलोनी में, सोसाइटी में, मोहल्ले में, चारों तरफ बीमारी फैली और आप जीभा की तरह रखे हो बचा कर। ये उसकी करुणा है, ये उसकी कृपा। और तीसरे नंबर पर है गोपी महाराज, पहली सूर्य कुंड, दूसरी जहां गौ माता बनती हो वहां की मिट्टी, तीसरी है गोपी, जहां पर गोपियां भगवान को पुकार रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं भगवान से मात्र एक बार मिलने के लिए। एक बार भगवान से केवल मिलन हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे मिल जाए, भगवान नहीं आए। एक बार भगवान निकल कर जाने भी लगे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, भगवान बोले कहीं नहीं, अगर रुक्मणी को कहूं कि गोपियां आई हैं मिलने के लिए जा रहा हूं अच्छा नहीं लगेगा, बोल नहीं सकते कहीं नहीं, इतना क्या प्रेम है गोपियों से, पूछ सकती थी रुक्मणी, कितनी क्या शक्ति थी गोपियों, 16108 रानियां तुम्हारी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, तो वो गांव की ग्वालन गोपियां जो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, विद्वान नहीं, कुछ जानती नहीं,
उनमें क्यों इतनी आसक्ति, उसमें इतना क्यों प्राण छुपा है, उसमें क्यों इतना दिल अटका हुआ है, सोलह हजार एक सौ आठ रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं के यहाँ की पुत्रियां थी, पर ये गोपियां पढ़ी लिखी भी नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी, फिर भी भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि ये कुछ जानती नहीं थी, केवल एक चीज जानती थी कि कृष्ण हमारा है और कुछ नहीं जानती। और जो एक बार जान गया कि भगवान हमारा है, तो भगवान भी जान गया कि ये मेरा है। आपसे भी निबंधन है, एक बार अगर आपने कह दिया कि शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते, तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमी रहेगी। बस फिर वो चित्तवृत्ति शिव में रमी रहे, कहीं भटके ही ना। महाराज तीसरी भूमि है, तीसरी मृदा है, गोपी तालाब की, गोपी भूमि की मिट्टी, जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते। सबसे पहले उस भूमि पर शंकर को जब गोपियों ने रुदन किया, रोती हैं, तो गोपियां कहती हैं, कृष्ण यदि सुन सकते हैं तो केवल शंकर की सुन सकते हैं। तो गोपियां शिव को बुला लेती हैं, बाबा आप पधारो। शास्त्र कहता है इस भूमि पर गोपियों ने बेलपत्र को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करा है। गोपी चंदन के नयन अश्रु से जो चंदन उत्पन्न हुआ था, जो मिट्टी हुई थी, उसका शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करी है। उसी शिवलिंग में से शंकर प्रकट हुए। कई लोग व्हाट्सएप पे प्रश्न करे हैं, गुरुजी से पूछ कर बताना कि शिवरात्रि के दिन गुरुजी जो पूजन कराएंगे रात को 9:20 से 10:20 तक, तो उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का गुरुजी बोले कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, गमले की मिट्टी हो, बगीचे की मिट्टी हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाना, हमारे घर में शिवलिंग होगा तो क्या हम उसका पूजन नहीं कर सकते? हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में नर्मदेश्वर महादेव, हमारे घर में पारद का शिवलिंग है, हमारे घर में स्फटिक का शिवलिंग है, क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? कर सकते हो, मना नहीं है, पर अश्विन के अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप पूजन करेंगे, अश्विन अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप आराधना करेंगे, उससे कामना कर उस शिवलिंग को शिवरात्रि के दिन आप जो पूजेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करेंगे, उसका विसर्जन होना जरूरी है। स्कंद पुराण से, शिव महापुराण से, यदि आप पारद का शिवलिंग रखेंगे, आप स्फटिक का शिवलिंग रखेंगे, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे, तो वो तो आपके घर का है, उसका तो विसर्जन आप कर नहीं सकते। इसलिए भले इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पर शिवलिंग बनना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का, महाराज वैश्य पीली मिट्टी का, क्षत्रिय लाल मिट्टी का, शुद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे, ये शिव महापुराण में लिखा है। पर अश्विन शिवरात्रि के दिन 15 अक्टूबर के दिन जो तुम शिवलिंग का निर्माण करोगे, उसमें ये ना सोचिएगा कि हमें सफेद मिट्टी का बनाना है कि लाल मिट्टी का बनाना है कि पीली मिट्टी का बनाना है कि काली मिट्टी का बनाना है, बस मिट्टी होना चाहिए, मृदा होना चाहिए। बस मिट्टी मृदा। महाराज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल आप लोग ही नहीं कर रहे,
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, इंद्र बृहस्पति चंद्र जितने 33 कोटि देवता हैं इन सब ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। बस अंतर इतना था, कोई ने शिवलिंग बनाया तो पन्ना का बनाया, कोई ने मोती का बनाया, कोई ने अक्षत का बनाया, कोई ने स्फटिक का बनाया। निर्माण उन्होंने भी करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पर जितना जिसका भाव था उसके अनुसार उन्होंने निर्मित करा, उसका विसर्जन भी किया है उन्होंने। आप 15 अक्टूबर को जो पूजन करेंगे शिवरात्रि की, उसमें आप जो चढ़ाएंगे, काली तिल है, समी पत्र है, बेल पत्र है, कमलगट्टा आदि आदि जो भी सामग्री हैं सब आपको सूचनाएं मिली रही होंगी लगभग लगभग। तो जो जो चीज़ आप चढ़ाएंगे शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद, आप भले रात भर रखें क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, पूरी रात शंकर आपके घर में रहें, सुबह सुबह बस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सुबह के क्रम में उठकर उस शिवलिंग का विसर्जन करें। जल में करें, ना मिले जल तो घर में कोई बाल्टी में पात्र में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दें, फिर उस पानी को वृक्ष में डाल दें, तुलसी में मत डालना। वहां भी विसर्जन का नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, बड़ के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, आंवले के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, वहां पर रखकर पानी डालते जाएं, गल जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करने का भाव शिवरात्रि के दिन प्रखर रहता है, उसका फल तत्व लाखों करोड़ों गुना होता है, उसका फल अधिक मिलता है, उसका फल बहुत है। महाराज भगवान शिव का सुंदर भाव प्रकट किया। तो तीन जगह की मिट्टी का स्मरण, सूर्य कुंड, गौ वंदने का स्थान, तीसरा गोपी तला। तो वहां पर शिव की आराधना करी। भगवान शंकर जब प्रकट हुए उस पार्थिव शिवलिंग में से, भगवान जब निकलते हैं बाहर, प्रकट होते हैं बाहर, पूछा गोपियों तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुमने मुझे पुकारा है। तब शंकर भगवान ने जब गोपियों से पूछा तो गोपियां कहती हैं हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, वो आते ही नहीं है। तीनों भूमि की मिट्टी का देखी है, सूर्यकुंड की मिट्टी काया का रोग ठीक कर रही है, गौ माता के बंधने की मिट्टी लक्ष्मी की वृद्धि कर रही है, और गोपी तालाब की मिट्टी आपको भक्ति प्रदान कर रही है। ये जितने गौड़िया मठी होते हैं, जितने स्कॉनी होते हैं, जितने भी निम्बार्की हुए, गौड़िया हुए, पुष्टि के हुए, इनको गोपी तालाब की जो मिट्टी होती है, गोपी चंदन जो होता है, इसका जो तिलक लगाते हैं नासिका तक, श्वेत तिलक आपने देखा होगा, सफेद कलर का तिलक जो गोपी चंदन जो होता है उसका जो तिलक, ये